नमस्कार, सुनीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और सर्दियों में गर्म चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए, तो इसी तरह की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तिल गुड़ से हम बनाएंगे गजक, आप इसे गजक भी कह सकते हैं और पट्टी भी कह सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तिल गुड़ की गजक हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी ये सफेद वाले तिल लिए हुए हैं, इनको साफ करके रखा हुआ है। आप कोई कटोरी या कोई कप सेट कर लें, उसी से वो नाप लें। जितना तिल होगा उतना ही ये गुड़ होगा। बस गुड़ को आपको ये ध्यान रखना है, जितना तिल हो उतना ही गुड़ लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून देसी घी, 1/2 टीस्पून हरी इलायची पाउडर। गैस खोल दी है, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इन तिलों को हम उसमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। बस फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको चलाते हुए भून लेंगे। बस इसको बहुत ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करने से ये तिल कड़वे हो जाते हैं, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। बस आपको हल्का सा ही भून लेना है। तिल हमारे भूनकर तैयार है। देखिए आपको दिख रहा होगा हल्के से ये फूले फूले से भी नजर आ रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसको भूनने का आपको ऐसे पता चलेगा कि आप ये थोड़ा सा लें और फिर इसको मसले, जब इसका छिलका ये देखिए अलग हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये भूनकर तैयार है। ये देखिए ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब तिल को हम निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। तिल हमारे ठंडे हो रहे हैं, तब तक के लिए हम गुड़ को तैयार कर लेते हैं। आप कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दी है, फ्लेम को हमने लो रखा है और इसमें 1 टीस्पून ये देसी घी डालेंगे। अब गुड़ इस कढ़ाई में हम डाल देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे और इसमें 1/4 कप पानी भी डाल देंगे। अब गुड़ को हमें पिघला लेना है और इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी को हमें देखना है कि ये कितना हमें इसे पकाना है। थोड़ी थोड़ा सा हम कटोरी में पानी लेंगे, कुछ ड्रॉप हम ये इसमें डालेंगे और ये देख लेंगे कि ये तैयार हुआ या नहीं। थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं फिर इसको देखते हैं। कुछ ड्रॉप हम ये चाशनी की इसमें पानी में डालेंगे और देखेंगे कि ये चाशनी हमारी तैयार हुई या नहीं। अभी ठंडा हो जाए फिर हम इसे देखेंगे। ठंडा हो गया है, इसको देखते हैं कि ये टूट रहा है। जब ये खट खट टूटने लगे तो आप समझिए चाशनी हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से अभी ये खींच रहा है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है। अब हम इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए ये डालते ही गुड़ का कलर चेंज हो गया। अब कुछ ड्रॉप हम और इसमें पानी में डालकर देखते हैं कि ये हमारी चाशनी तैयार हुई या नहीं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये अब ये खटखट, ये देखिए इस तरह से टूटना चाहिए, ये टूट रहा है। अब ये चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। फिर ठंडे हो चुके हैं, इसको मिक्सी में हम दरदरा सा पीस लेंगे। मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, थोड़ा रुक रुक कर चलाना है और दरदरा पीसना है। ये तिल देखिए दरदरा पीसकर तैयार है। गैस बंद करने के बाद अब हम ये चाशनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है और ये दरदरा जो हमने तिल को पीस कर रखा था ये इसमें डाल देंगे और इसको तुरंत मिलाएंगे। आप इसको गर्म ही गर्म करिए, ठंडा नहीं करिएगा, वरना ये संभालने में मुश्किल पड़ जाएगी। अब इसी स्टेज पे हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इसको डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लें। हाथ को आप अपने बचा के रखिए क्योंकि ये गर्म बहुत है। अब ये सिल्वर फॉइल लिया है, इसमें तेल से हमने घी से सॉरी ग्रीस कर लिया है और ये डो हम इसमें रखेंगे और बेलन में हमने ये घी लगा लिया है और इसको बेलेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने बेलकर तैयार कर लिया है और इसको पीसेस में हम कट कर लेंगे, जैसा आप चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। ये कट आप गरम गरम में ही करें क्योंकि फिर ठंडे में ये कट नहीं हो पाएगा। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लें और फिर ये ठंडा हो जाए फिर इसे तोड़ लेंगे। गुड़ तिल की गजक हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए आप देख सकते हैं चारों तरफ से, सब तरफ से हम आपको दिखा देते हैं कि ये तिल की गजक हमारी बनकर तैयार है। इस तरह से इन सर्दियों में आप ये गजक बनाकर तैयार करें, सर्दियों में ये अच्छा भी बहुत लगता है और फायदेमंद भी बहुत है। आप इसे इस रेसिपी को जरूर बनाकर तैयार करें। पट्टी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी भी है। आप इसे बनाकर स्टोर कर लें और फिर पूरे सर्दियों भर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप खाएं, अपने परिवार में खिलाएं। आप मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।